दोस्तों, बिग बॉस OTT3 देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे दोगले इसी शो में आकर भर गए हैं। रणवीर शोरे को ही देख लीजिए, लवकेश कटारिया और विशाल पांडे के पीठ पीछे उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसके बाद जनता तो भड़क रही ही है, एलवी शर्मा भी भड़क गई है। अब क्या कहा है रणवीर शोरे ने वो आगे आपको बताएंगे और सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बिग बॉस के कमान जो है वो लवकेश कटारिया के हाथ में आ गई है। कई बड़े फैसले लेते हुए वो देखे जा सकते हैं। इवेक्शन का भी बड़ा फैसला उन्होंने लिया है और मुनीषा को सेफ करते हुए उन्होंने पौलमी को घर से बेघर किया है, यानी कि अब तीसरी बार अगर कोई घर से बाहर जाएगा तो वो होंगी पौलमी। सबसे पहले नीरज गोयत गए थे घर से बाहर, उसके बाद पायल मलिक भी घर से बाहर हो गई, जिसके बाद वो लगातार वाइल्ड कार्ड की एंट्री के लिए प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब पौलमी भी घर से बेघर हो गई हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक क्लिप देखने को मिली जो रणवीर शोरे की है, जहां पर अरमान मलिक और नेजी के साथ बैठकर वो ये कह रहे हैं कि लवकेश कटारिया हो गया, विशाल हो गया, इन लोगों को तो बिना मेहनत के ही कामयाबी मिल गई है, घर बैठे कामयाबी मिल गई। उन्होंने वीडियो बनाई, डाल दी और उसके बाद वो रातों रात फेमस हो गए, ऐसा उनका कहना है। और जो उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं वो अरमान मलिक और नेजी हैं, जो दोनों खुद यूट्यूबर हैं। यहाँ तक कि अरमान मलिक की बात की जाए तो वो टिकटॉकर हैं, टिकटॉक बनाकर फेमस हुए हैं, दो पत्नियों के साथ वीडियो बनाकर फेमस हुए हैं। अब ऐसे लोग जो ऐसी छोटी छोटी क्रिंज हरकतें करके फेमस होते हैं, वो लोग भी जज कर रहे हैं कटारिया को और विशाल पांडे को। यहाँ तक कि अरमान मलिक ने विशाल पांडे का मजाक भी बनाया था कि कच्चा बादाम पर ये रील बनाता है, जिसके बाद उनकी कच्चा बादाम वाली वीडियो भी काफी वायरल हो रही है, बगल में आप देख सकते हैं। तो आप सोचिए कि ये लोग जब दूसरों को रोस्ट करते हैं, दूसरों के बारे में गलत चीजें करते हैं, तब वो हेट नहीं होता। अगर इनकी सच्चाई कोई कह दे तो फिर इनको ये ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ हेट फैलाई जा रही है। अब पायल मलिक घर से बाहर आकर मोर्चा संभाले हुए हैं कि अरमान को ऐसा बोला गया, ऐसा नहीं, ऐसा है, लेकिन लोग जज कर रहे हैं। जैसे आप दूसरों को जज करते हैं वैसे लोग आपको भी जज कर रहे हैं, तो आप कुछ भी करेंगे तो वो लोग आपको जज करेंगे ही और जनता जो है उसके बारे में चर्चा करेगी ही, क्योंकि आपने इसी उटपटांग हरकतें करके आप फेमस हुए हैं। अब आते हैं रणवीर शोरे की बातों पर, एक बार वो क्लिप आपको सुनाते हैं और उसके बाद बताते हैं रणवीर शोरे की क्या सच्चाई है, जो कटारिया और विशाल पांडे का मजाक बना रहे हैं, एक तरीके से उनकी कामयाबी से वो जल भुंड रहे हैं। सुनिए, लव हो या विशाल हो या इनको पापड़ नहीं मिलने पड़े लोगों के साथ करके, भाई हाथ पैर जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे टाइम पे मुश्किल था, इनको क्या घर बैठे बैठे इनको सक्सेस मिल गई। तो सुन रहे हैं आप, वैसे तो रणवीर शोरे को ये कहा जाता है कि बहुत ही सीनियर हैं, बहुत अच्छे हैं, ज्ञान का भंडार है। अब आप सोचिए अगर इतना अंदर इनके ज्ञान का भंडार इतने होते तो ये क्रिंज हरकतें कर रहे होते, किसी लड़की का अंडरवेयर चुरा रहे होते और इस तरह से किसी के कामयाबी से जल रहे होते। मुझे ऐसा लगता है इन्हें इस बात की जलन हो रही होगी कि भाई कल के आए लड़के इतने सारी फैन फॉलोइंग है, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब ये रणवीर शोरे की अगर आप सच्चाई देखेंगे तो सुशांत के मामले में भी इनका बहुत सारा नाम आया था, भट्ट फैमिली को लेकर तमाम हरकतें करना, बहुत सारी बयानबाजी करना, तो ये ऐसे नफरती लोग रहे हैं जो अब वहां तक पहुंच गए, अपने आपको सीनियर दिखा रहे हैं, चार इनके टट्टू आके इनकी बड़ाई कर रहे हैं कि भाई बहुत ज्ञान का भंडार है, ऐसा है वैसा है। जबकि अगर आप इनकी स्टोरीज देखेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी वही है, पूजा भट्ट मारती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी, रिलेशनशिप को लेकर मीडिया में यही सारी बातें फैलाकर इन्होंने हाइप क्रिएट की ताकि इन्हें काम मिले। अब उसके बाद भी अगर इन्हें काम नहीं मिल रहा है तो फिर ये दूसरों की कामयाबी से जल रहे हैं, मुझे तो साफ साफ यही लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। वैसे रणवीर शोरे ने जब ये बातें कही तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि देखिए ये फैक्ट्स बोल रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि भाई यूट्यूब पर तुरंत चैनल ग्रो नहीं हो जाता, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, डेली आपको काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि एक दिन आपने वीडियो डाला उसके बाद एक साल के लिए आप अंडरग्राउंड हो गए नेजी की तरह, जो वहां पर बैठ कर हाँ हाँ कर रहे हैं। वैसे बता दें अरमान मलिक भी टिकटॉक से ही फेमस हुए हैं और क्या हरकतें उन्होंने की है, वीडियो बनाकर सुसाइड की और पता नहीं क्या क्या बातें उन्होंने की हुई थी, वो सारी चीजें तो हम पहले बता चुके हैं। और नेजी की अगर बात करें तो वो इतने ज्यादा लेजी हैं कि वो कई कई महीनों तक, यहाँ तक कि सालों तक अंडरग्राउंड ही हो जाते हैं। तो अब ऐसे लोग जो हैं वो किसी की कामयाबी से जल रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल को लेकर बातें कर रहे हैं, तो भाई मेहनत करनी पड़ती है, डेली आपको काम करना पड़ता है, अंडरग्राउंड होने से काम नहीं चलता है।